नाउ टिल दिस पॉइंट हम ये समझ चुके हैं कि ये नंबर सिस्टम क्या होता है इसमें अलग अलग तरह के नंबर दरअसल कौन से होते हैं क्या होते हैं कैसे होते हैं ये हम जान चुके हैं अब हम एक अलग प्रकार के नंबर को पढ़ेंगे जो कि बड़ा मशहूर है बड़ा उसके बारे में चर्चाएं होती हैं और बहुत सारी उस पर साइंटिफिक रिसर्च भी चलती है लेकिन हमको ऑब्वियसली उस स्तर तक नहीं जाना उस लेवल तक नहीं जाना हम बात करेंगे प्राइम नंबर की भाई ये प्राइम नंबर क्या होता है प्राइम नंबर क्या होता है एक बार इस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे आ, हर नंबर जो है हम जानते हैं जैसे मान लीजिए हम नंबर लेके बात करते हैं हम मान लीजिए हम नंबर लेते हैं बारह हमने एक नंबर लिया ट्वेल्व तो अब अगर हम कहें कि छोटा सा नंबर लिया है हमने जानबूझ के ताकि हम उसको इजीली मैनेज कर पाए 12 को आप किस किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो 12 को आप किस किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हो तो क्या आंसर है उसका हम सोच सकते हैं बारह को हम एक से डिवाइड कर सकते हैं एक से तो हम हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कोई भी नंबर हो वो एक से डिवाइड हो जाएगा है ना तो वन इंटू ट्वेल्व बेसिकली वन इंटू वो नंबर खुद

क्या बारह छह से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा हमको पता है फिर आधे तक हम आ गए तो उसके बाद अब किसी से डिवाइड नहीं होगा अब वो सीधे बारह से डिवाइड होगा तो ये वो सारे नंबर हैं जिनसे बारह डिवाइड होगा ठीक है इसमें क्या है वन है एक तो और वो नंबर खुद है ट्वेल्व उसके अलावा ऐसे और अनेकों नंबर हैं ऐसे और बहुत सारे नंबर्स हैं जिनसे हम बारह को डिवाइड कर सकते हैं अब अगर हम यही केस लें मान लीजिए तेरह के लिए यही केस हम लेते हैं तेरह के लिए तेरह भी वन से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल हमको पता है वन से तो हर चीज डिवाइड होती है टू से होगा नहीं होगा थ्री से होगा नहीं होगा फोर से नहीं फाइव से नहीं सिक्स से नहीं सेवन से नहीं एट से नहीं नाइन से नहीं टेन से नहीं इलेवन से नहीं ट्वेल्व से नहीं फिर सीधा थर्टीन से डिवाइड यानी कि तेरा जो है वो एक ऐसा नंबर है जो केवल दो नंबरों से डिवाइड हो रहा है वो दो नंबर क्या है एक तो वन और एक वो नंबर खुद बस इसके अलावा और किसी नंबर से तेरा जो है वो डिवाइड नहीं होता ऐसे नंबरों को इन नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो या तो वन से डिवाइड हो या फिर सेल्फ खुद से ही डिवाइड हो बस इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड ना हो ऐसे नंबर कहे जाते हैं प्राइम नंबर सही है सिंपल है एग्जाम्पल सोच सकते हैं हम यानी कि क्या बारह प्राइम नंबर है नहीं है क्योंकि बारह देखिए कितने सारे और नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम टू से शुरू करते हैं क्या टू प्राइम नंबर है बिल्कुल है

थर्टीन भी है हमने देखा भी अभी फिफ्टीन नहीं है देखिए इवन नंबर को तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है इवन हमको पता है ना जो दो से डिवाइड होते हैं उनको तो चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारे नंबर नंबर दो से डिवाइड हो रहे हैं हैं केवल चेक करते जाते सत्रह सत्रह भी है उन्नीस भी है इक्कीस नहीं है क्योंकि इक्कीस तीन और सात दोनों से डिवाइड होता है ट्वेंटी थ्री है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे ये वो नंबर हैं जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। मैं आपको कह रहा था कि काफी सारी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है प्राइम नंबर्स जो है वो हायर लेवल मैथमेटिक्स आप अगर आप में से कोई शायद पढ़े लाइफ में तो उसमें प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये तो छोटे छोटे नंबर है मान लीजिए पंद्रह डिजिट का नंबर है एक नंबर है जो पंद्रह डिजिट का है इतना बड़ा नंबर है बहुत रिसर्च की जा रही है कुछ इसके सोल्यूशन आए हैं लेकिन अभी तक इसका बहुत कंक्लूसिव सोल्यूशन कुछ ही आए हैं और इसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए लोगों को जो मैथमेटिक्स का नोबल कहा जाता है वो फील्ड मेडल जो होता है वो दिया जा चुका है तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन खैर हमको उतना बड़ा संख्या नहीं मिलेगा लेकिन उसका एक छोटा भाग तो हमारे सामने भी आ सकता है मान लीजिए हमको क्वेश्चन दिया गया कि भाई एक नंबर है जो थोड़ा बड़ा है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं है यह हमसे पूछा गया तो हम कैसे पहचानेंगे तो उसको पहचानने के लिए दो तीन सिंपल स्टेप हमको फॉलो करने हैं मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं पहले वो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको उन नंबर पे करना है पहले तो अगर वो नंबर इवन नंबर है यानी कि आखिरी डिजिट उसकी जीरो दो चार छह वगैरह वगैरह है तो वो हमको वो नंबर तो प्राइम नंबर नहीं होगा ये हमको स्पष्ट है ठीक है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको बता दूंगा उन डिविजिबिलिटी इसके जस्ट बाद हम वही पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद एक जो आसान तरीका है वो ये है कि हम उस नंबर का जो नंबर हमें दिया गया है वो बहुत बड़ा है वहां तक हम ऐसी गिनती तो नहीं कर सकते बड़ा मुश्किल काम है आधा घंटा लग जाएगा तो हम ये करते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जैसे मान लीजिए हमें नंबर दिया गया है 197 नाइनटी ये हमें दिया गया है अब हम 197 तक ऐसे गिन गिन के तो नहीं जा सकते कि यह टू से कटता है कि नहीं थ्री से कटता है कि नहीं फोर से फाइव से सिक्स से ये तो हम नहीं कर सकते क्लियरली तो इसका तरीका यह है कि हम वन का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं स्क्वायर रूट लेना हमको पता है सिंपल सी बात है हमको स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपको याद करने होंगे एक से लेके बीस तक आपको स्क्वायर याद करने होंगे कि एक से लेके बीस तक की संख्याओं के स्क्वायर क्या हैं वो आपको बहुत लाभ करेगा मतलब आप निकाल सकते हो निकालना है तो लेकिन फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा अगर आप एक से लेके बीस तक कम से कम आप स्क्वायर्स याद कर लो तो मुझे पता है कि चौदह का स्क्वायर 196 होता है ठीक है तो 197 का स्क्वायर

कि ये इससे कटता है कि नहीं इससे कटता है कि नहीं इससे कटता है कि नहीं ये वाली टेस्टिंग मैं सिर्फ चौदह तक करूंगा अगर चौदह तक ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तब तो ये प्राइम नहीं है अगर चौदह तक ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता फिर ये प्राइम नंबर है इसके आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है मतलब किसी से मतलब वन वन से तो होगा ही वन के अलावा क्लियर हुआ पहले कहां तो मुझे सोचिए पूरा चेक करना पड़ रहा था

हम देखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे हम देखेंगे तो आगे तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह आप पाएंगे कि किसी से डिवाइड नहीं होता तो ये एक प्राइम नंबर है तो ये स्क्वायर रूट रूल जो है ये आप याद रखिएगा प्राइम नंबर्स के साथ ये बिल्कुल आपको याद रखना है क्योंकि कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है और आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट रूल से आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आप एक मिनट के अंदर तीस सेकंड के अंदर पता कर सकते हैं कि यह नंबर एक प्राइम नंबर है या फिर यह नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है यह आप तुरंत पता कर सकते हैं।